हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैगी कटोरी बेल रेसिपी। सच में ये मैगी कटोरी बेल रेसिपी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर बना के देखिए। सबसे पहले हम उबली हुई मैगी लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी मैगी ठंडी हो जाएगी तो हम उसमें एक चम्मच मैदा को मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम मैगी को चाय छानने वाली छलनी में डालकर उसे एक कटोरी की शेप देंगे। ध्यान रखिएगा, उसको हमें थोड़ा दबाकर शेप देनी है ताकि जो मैगी है आपस में एक दूसरे से चिपक जाए और जब हम उसको फ्राई करें तो वह आराम से निकल आए। देखिए, मैंने इसको शेप दे दी है। अब हम गरम तेल में इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे। हम चारों तरफ से छन्नी को घुमा घुमा कर फ्राई करेंगे और कुछ ऑयल को हम चम्मच से मैगी की कटोरी के ऊपर भी डालेंगे क्योंकि इसको हम अंदर से भी पकाएंगे। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसको निकालेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे निकालें तो ये बहुत ही आराम से निकल जाएगी। निकालने के लिए हम छन्नी के ऊपर चम्मच से टैप 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 करेंगे तो ये निकल जाएगी। अब हम इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। इसके लिए हमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च चाहिए और जो भी मसाले हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, मैगी मसाला और परमल और कुछ नमकीन मैंने इसमें ऐड की है। बेल हमारी तैयार है। अब हम देखिए, मैगी की कटोरी भी हमारी तैयार है। मैगी की कटोरी में अब हम उस बेल को भरेंगे और देखिए, देखने में कितनी लाजवाब लग रही हैं। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे कि शेजवान चटनी या जो भी आप डालना चाहे वो। इसमें मैंने ऊपर से टमाटो केचप का यूज़ किया है। देखिए, लग रही है ना कितनी प्यारी, और सच में यकीन मानिए खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको भी यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।